ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? ये शोर शराबा नहीं है, ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। Shut up, you bloody servant! अरे रमेश, रमेश, रमेश तू बहू को लेकर आ गया। अरे अरे चंपा, चंपा जल्दी से आरती लेकर आ। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी रस्में हैं, मुझे इनमें विश्वास नहीं है। मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है। चलो डाले, अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बहू, चलो। क्या है ना, ये नए ख्यालात की लड़की है। हे भगवान, इतना लंबा सफर, मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। थक गई हो तो पैर दबा दूं डार्लिंग? If you don't mind. Of course not. रमेश भैया क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या जमाना आ गया। 40 साल हो गए इस देश को आजाद हो गए, फिर भी आज तक हमारे देश के पति चोरों के गुलाम बने हुए। सच्चे ना रमेश भैया? तू बकवास बंद करो, चाय पिला। ये लो, वही करने जा रहा था। आप पी लीजिए। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? कितनी बढ़िया चाय बनाई है। क्या बात कर रही है मेम साहब, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीने के लिए गांव-गांव से लोग आते, आप उसे वाहियात कहती है। मेरे ख्याल से आपका मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आपके पति डॉक्टर है ना, उनसे जरा चेकअप करवा लीजिए। ब्लडी सर्वेंट आपको बुला रही है जी। मैं तुझसे कह रही हूँ, दो कौड़ी के नौकर तुझसे। देखो मेम साहब, मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम है पांडव जबान लड़ाता है। गधा कहीं का। क्या जमाना आ गया है, खुद नाक मारते हो और मुझे गधा कहते हो। रमेश पांडु, ये सब क्या है? देखो ना भाभी, ये नौकर मत। मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम पांडु। सही है, अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते, जाओ अपना काम करो। कुनिका, तुम बाबूजी से आशीर्वाद लेकर आई? ना बाबा ना, उस पागल के कमरे में कौन जाएगा, क्या पता कहीं सर फोड़ दे या गला दबा दे। तो कुनिका, अपने ससुर के बारे में ऐसे बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है, सारी दुनिया जानती है वो पागल है। He's a bloody madman. तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? भाभी, ये जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है ना? रमेश, पड़ी आई थी दादी माँ बनने। आइए ना बाबूजी, आइए ना। आप रुक क्यों गए? तुम नहीं जानते वो लोग। कुछ नहीं होगा, आप आइए तो। चलिए ने मुझे उस नरक में मरने के लिए छोड़ दिया था, तुमने एक पराई होकर भी मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलिए बाबूजी, मंदिर चलते हैं। भाभी, ये क्या कर रही हो, आपका दिमाग तो ठीक है? इस पागल को घर में खुला छोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना एक जंगली जानवर को। हाँ भैया, इस घर में भेड़िए तो खुले आम घूमते हैं और गाय को बांध के रखा जाता है। Shut up, you! अच्छा फाशू, अच्छा फुशिम, टाइम फुल बकरी मैं करती है। देखो मेम साहब, अंग्रेजी में गाली देना हमें भी आता है, लेकिन हम उस देश के बासी हैं जिस देश से गंगा बहती है, और इस देश में बहू अपने सास ससुर के सामने सर पर पल्लू डाल के रहती है। तुम्हारी तरह नहीं, नंगी पुंगी घूमती। ये लो मेरा गमछा और ढक लो अपने आप को। यू बड़ी सर्विस आपको बुला रही है। यू चलिए बाबूजी, तुम इन्हें लेके नहीं जा सकती। ये नाजुक शहरी कलाइयां संभाल के रख, इन्हें जुल्फे सवारने के अलावा कोई और तकलीफ दी
तो तोड़ के तेरे पति के हाथ में दे दूंगी, समझी? चलिए बाबूजी। इसलिए मैं बोल रहा था पंगा मत लो, पंगा मत लो, उल्टे जूते पड़ गए ना। Shut up, you servant. Yes, madam. You. तुमने इन्हें कमरे से बाहर निकालकर सही नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। हाँ, जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। बहू चिल्ला मत। अरे पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हम इंसान नहीं, जानवर है, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट जाते। शुक्र करो बहू, आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुदगर्ज है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ कैसी औरत है, उसे तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, गंवार बनाए रखा ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके। तुम्हारी माँ को तुमसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार है राजू, सिर्फ तुम्हारी दौलत से। जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं, एक डायन है, डायन। क्या बोला तूने? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। तूने मेरी माँ को डायन बोला? तूने मेरी माँ को डायन बोला? राजू नहीं बोला। देखा, देखा मेरी माँ का बड़ापन, जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे फंसा लिया, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर मेरी एक बात याद रखना शुरू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैर छूकर उसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सच बोलने की सजा ये मिलती है। वाह वाह, क्या औरत है बहना, देखी इसकी अकड़, इसने तो अपने पति का भी लिहाज नहीं किया। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है। ले ले। से मैं इस घर में आई हूं यहां सिर्फ मेरा राज चलता है, जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका। फिर तू क्या चीज है? इसीलिए मेरी एक सलाह याद रखना कि इस घर में खाना खाने के सिवाय कभी मुंह मत खोलना, वरना तेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी। मैं भी अपने सुहाग की कसम खाती हूं कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी।